अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल पाकिस्तानी कबूतरबाज में आप लोगों को सलाम अर्ज करते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक नुस्खा, बेहतरीन नुस्खा है। गोली हमारे पाकिस्तान में हुई तो बंद हुई है, मगर अल्लाह करे अगर आप लोगों को मिल जाए तो बहुत ही कमाल का नुस्खा बनने जा रहा है और अच्छी परवाज करते हैं इस नुस्खे से कबूतर। कबूतर परवरी की समझ लो कि बादशाह गोली है ये। गोली बंद हो चुकी है, ए विल रिटार्ड, गोली बंद हो चुकी है। मगर मैं आप लोगों को कहीं से मिल भी जाती है, जिस तरह ये मेरे पास पड़ी है, अगर किसी दोस्त को चाहिए नज़दीक नज़दीक तो मैं दे दूंगा आप लोगों को। मेरे पास तो पड़ी हुई है, मगर आज मैं इसका नुस्खा बताने जा रहा हूँ। फार्मूला बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन है। दड़ेबाजी में अगर कबूतर को शाम तक उड़ाना है और कबूतर किसी कबूतरों के नीचे आके ना हरे 45-46 सेंटीग्रेड गर्मी में, तो वो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बहुत ही आजमूदा और बेहतरीन चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। सिर्फ सुबह को उड़ाते ही कबूतर को देनी है आप लोगों ने गोली, तो बड़ा ही कमाल है इस गोली का। तो वीडियो पूरी देखें, मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बना के दिखाता हूँ और बताता भी हूँ लगाने का तरीका, और बेहतरीन तरीका है इसके लगाने का, और उसका माशाल्लाह रिजल्ट भी बड़ा है। दो तरीके से ये गोली लगती है, दोनों तरीके में गोली बनाता भी जाता हूँ और आप लोगों को दोनों तरीके भी बताता जाता हूँ। तो वीडियो पूरा देखें और क्या। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम। अब मेडिसिन में आप लोगों को बताता हूँ जो कौन कौन सी हम लोगों ने मेडिसिन लेनी है। एक पहले नंबर पे आती है एविल रिडार्ड, ये टेबलेट है। ये 2023 तक की इसकी डेट एक्सपायर है मेरे पास, 2023 तक की डेट एक्सपायर इसकी है। और इंशाल्लाह कोशिश तो है, एक दोस्त है अपना, शागिर्द है कनाडा में, उसको कहा है वो इंशाल्लाह लेके आएगा इंडिया से, अगर आ गई तो फिर भले भले। तो ये मैं आप लोगों को अब बताने जा रहा हूँ एविल रिडार का नुस्खा, ये मेरे पास पड़ी हुई है। ये आप लोगों ने एविल रिडार जो टेबलेट है, मैं बना के इसीलिए दिखा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों को पता चले कि ये किस तरह बनती हैं। ये एविल रिडार्ड है, मैंने थोड़ी तोड़ ली है इसको। ये हम लोग करेंगे आधी आधी एविल रिडार्ड करेंगे। डेल्टा कार्ट ये टेबलेट है, खुली टेबलेट आती है डेल्टा कार्ट, ये चेक कर लें, एक पूरी डेल्टा कार्ट आएगी इसमें। ये केनेडेक्स टेबलेट आती है, केनेडेक्स, ये एक पूरी करनी है आप लोगों ने केनाडेक्स टेबलेट। और एविल 25 जो है वो आप लोगों ने आधी करनी है, एविल 25 mg। बड़ा ही कमाल नुस्खा है जी, बड़ा ही कमाल, एटम एटम बम है समझ लो के। एक टेबलेट मार्डरन डालनी है आप लोगों ने। ये भी बता दूं आप लोगों को, अगर आपको एविल रिडार्ड नहीं मिल रही तो उसकी जगह पे आप लोग जो इजाफा करेंगे किस टेबलेट का, वो नहीं मिलेगी। उसकी जगह पे आप लोगों ने क्या इस्तेमाल करना है, दो तरह की टेबलेट आप लोग उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंट्रम सिल्वर भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह पे, सेंट्रम सिल्वर को, और उसी की जगह पे सेंसीवाल को भी आप लोग इसमें आधी सेंसीवाल की इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। और इसमें आप लोग अगर सेंट्रम डालेंगे तो आधी डालेंगे, अगर सेंसीवाल भी डालेंगे तो आधी डालेंगे इसमें। तो इन टेबलेटों को आप लोगों ने पाउडर कर लेना है, सारी टेबलेटों को अच्छी तरह। तो मैन जो असल बात है, असल बात ये चीज़ खट्टी किस चीज़ में करनी है और किस तरह इसकी तासीर हम लू में गर्मियों में हम लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह क्या कंडीशन होगी और क्या किस चीज़ के साथ हम ये इस्तेमाल करेंगे और इसका अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो इसके साथ एक तो पानी लगेगा सुबह को उड़ाते वक्त, वो भी मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। और उसके अलावा हम लोग इसमें ऐड करेंगे द्वाल मिक्स, द्वाल मिक्स इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद खमीरा अब्रेशम, ये खमीरा अब्रेशम आ गया और ये द्वाल मिक्स आ गया। द्वाल मिक्स हम इतना इस्तेमाल करेंगे कि ये चने की साइज़ का, एक चने की साइज़ का जितना काला चना होता है उतना थोड़ा सा हम ये द्वाल मिक्स उठा लेंगे। और खमीरा अब्रेशम जो है ये नरम होता है बहुत सारा, बस ऐसे ही थोड़ी उंगली में ये थोड़ा सा चढ़ा के इधर टेबलेटों में मल देंगे, जैसे पाउडर फिर ये उतर जाएगा। तो
इसकी कितनी गोलियां बनानी है वो भी मैं बताता हूँ आप लोगों को। इस पाउडर में इन दो चीज़ों को, ये खमीरा अब रेशम ठंडा है बहुत, द्वाल मिक्स की भी तासीर इसी तरह है, मुतदिल होती है द्वाल मिक्स, ये ठंडे गर्म दिनों में दोनों दिनों में ये इस्तेमाल होती है द्वाल मिक्स, और कबूतर इससे बहुत ऊंचा उड़ता है। द्वाल मिक्स डालने से और खमीरा अब रेशम डालने से कबूतर थोड़ा आना जाना रखता है, अगर ये हम ना डालें मैदे में हम ये गोली बना लें तो कबूतर हमारा दिखे ही ना, इतना ऊंचे चढ़ जाता है कबूतर इससे। तो ये हम चीज़ इसमें इस्तेमाल करते हैं इस वजह से कि कबूतर हमारा नज़र आता रहे और कबूतर शौकीन हजरात देखते रहें, क्लियर कराते रहें, क्योंकि जो दड़े में कबूतर घंटे का टाइम लगता है ना, जब 10-12 बजे, कहीं 10 बजे टाइम लगना शुरू हो जाता है, कहीं 11 बजे शुरू हो जाता है, तो उधर आप लोगों को अगर ये इस द्वाल मिक्स और खमीर आब्रेशम में ये गोली नहीं बनेगी तो कबूतर आप लोग को क्लियर कराना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कबूतर, मेरी कोशिश ये होती है कि कबूतर ज़ाया ना हो, क्योंकि हमारी एवरेज की बाज़ियाँ होती हैं, तो कोशिश ये है हमारी कि कबूतर जितना हो सके सही उड़े और घर आए, वापस आए कबूतर, तो मैं इस हिसाब से चीज़ बनाता हूँ। ये कलर देगी टेबलेट, जो गोली बनेगी ये कलर देगी, इसका ये शेप होगा। तो ये बनाने कितनी साइज़ है इसकी, इसकी हम लोग बना लेंगे 40 गोली। ये जो दवाई बनेगी 40 कबूतरों की बनेगी, दो तरह से लगती है ये, 40 गोलियां होंगी, एक गोली आप ले लेंगे, एक गोली पलटाते, एक गोली ले लेंगे आप, उसको आप पलटाते वक्त आधी आधी कर लेंगे, आधा उसका पलटाते वक्त दे देंगे, आधा उड़ाते वक्त दे देंगे कबूतर को। अगर डायरेक्टली सिर्फ ही कबूतर को आप एक एक हिसाब से देना चाहते हैं तो वो आप पलटा के ये गोली दे के बिठा दें और कबूतर को उड़ाते वक्त सादा पानी, ये जो बना हुआ मैं एक पानी बताने जा रहा हूँ वो बना रखें रात को, और सुबह को कबूतर को दे के छोड़ेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी परवाज़ करेगा। उस पानी में क्या क्या चीज़ें हैं, चीज़ें नोट करें, एक छोटी इलायची ले लेनी है, उसको हल्का जा कूट लेना है आप लोगों ने, और उसमें 8 दाने अनारदाना के डाल के, ये एक प्याली पानी में, जो ये प्याला है जिस तरह का, ये एक प्याली पानी में ये आप रात को रख दोगे भिगो के, सुबह को उड़ाते वक्त इस पानी में से 15 cc पानी उठा लें, 15-20 cc सादा पानी देके 35 cc तक पानी कबूतर को देके उड़ा दें, तो बहुत ही परवाज़ करेंगे इंशाल्लाह कबूतर इससे। ये बहुत ही अच्छी चीज़ बन गई है, ये यकीन जानो कमाल की टेबलेट है, कमाल की टेबलेट है, मैं जानता हूँ जहाँ तक ना एविल रडार जिस तरह कबूतर उड़ाती है, तो बस ये एंड हो गया जी। तो इसको बना लें, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पाकिस्तानी कबूतरबाज को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो ये है आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, अस्सलाम वालेकुम।